वाह मेरे पहाड़, कितना सुकून है तुझ में, आओ कभी मेरे पहाड़। बेबी कम, इस तरह से लाया जाता है पराल को सर में रखकर। सो दगड़ियो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिलहाल तो मैं भी ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत, आज सार रहे हम पराल। और जैसा कि आजकल असोज का महीना लगा हुआ है और आजकल हो रही है पहाड़ियों में मतलब पराल सराई गाय भैंसों के लिए, जो मतलब जो धान मान के जो पराल निकलता है उस पराल को हम घर पे इकट्ठा करके गायों को खिलाते हैं। और इसी के साथ दगड़ियों हम खेत में आगे बढ़ते हैं। मम्मी आगे खेत में गुड़ा लगा रही है और इसी के साथ हम लेके आते हैं और मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तो दगड़ियों कुछ इस तरह से लाया जाता है पराल को सर में रखकर। अरे ताई जी आ रही है यहाँ पर, ये सर में भूसा लेकर। कहाँ परेशान कर रहा तुमको यार, ताई जी आ रही है। और कैसा लग रहा तुमको आज सभी के? अच्छा लगा। बढ़िया बढ़िया लगा। बढ़िया पराल आ गया सब? हाँ पराल आ गया। और क्या कर रहे फिर? अभी भट हट सब खाने को ना होते हैं। चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय। और वहाँ पर हमारे अम्मा और बुबूजी वहाँ खेत सफाई कर रहे हैं। ओ बुजी एक तो सफाई। हाँ बढ़िया लागम छा, ठीक तो बढ़िया बढ़िया। ये है पराल, इसको ऐसे ही गुड़ा लगा के ले जाना पड़ता है। तो ये देखो सर में रख के ले जाना पड़ता है ऐसे। तगड़ियों सर में रख के कुछ ऐसे इतना बड़ा गट्ठा बनाकर ले जाना पड़ता है। और पहाड़ की ज़िंदगी इतनी आसान तो होना है आप सभी को पता ही है जैसे कि। और इसी के साथ हम चलते हैं सीधे घर की ओर और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। आगे से आ रहा है ट्रॉली, वो भी जा रहा है पराल लेने के लिए। जा रहा है ट्रॉली और आगे से हमारे चाची आ रही है, वो आज पराल सा रही है सारा। कैसा लग रहा है? अम्मा आ रही हमारी पराल लेके। अम्मा कौन रह हुआ है? ये देखो कुछ इस तरह से पराल लाना पड़ता है। ये भाई साहब आ रहे हैं हमारे पराल लेकर, ब्लॉग में देखना। इसी के साथ दगड़ियों हम दोबारा खेत में। ये है बासमती राइस।
पराल, ये हमारी भैंस, एक गाय, दूसरी गाय, इसका नाम राखी, ये भैंस, आजा।